आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम सचिन, वेलकम टू बर्मर सर्किल। देखिए, काइनेमेटिक्स का ये 11th क्लास का फिफ्थ लेक्चर है सीरीज में, आज फिफ्थ लेक्चर, ठीक है। इसमें देखिए, अगर लाइक कीजिएगा सर, अगर आप देखिए नया पहले पहली बार जुट रहे हैं तो आप प्लीज सब्सक्राइब करके इस ग्रुप का मेम्बर बन सकते हैं। देखिए, आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं जो हम लोग पढ़ रहे थे। तो इसमें पिछले दिन का कुछ क्वेश्चन था, पिछले दिन क्वेश्चन किए थे, आज हम लोग को स्टार्ट करना है स्पीड, ठीक है। स्पीड पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग को वेलोसिटी के बारे में भी जानकारी होगी। तो स्पीड के बारे में हम लोग चलते हैं। देखिए, स्पीड क्या होता है? तो अगर आप सोचते होंगे कि डिस्टेंस कोई होता है ना लिखा हुआ, कि कहीं गाड़ी पर देखिएगा कि 40 किलोमीटर प्रति आवर लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या लिखा हुआ, किसका मतलब होता है क्या है? तो कहता है कि 1 किलोमीटर में हमें कितना चलना है, 40 किलोमीटर चलना है। अब इसका मतलब है कि कोई जरूरी है कि 40 किलोमीटर चले, हो सकता है कि फास्ट चलता है और फास्ट जाके 60 किलोमीटर चल जाए। तो अब बताइए, 1 घंटा की बात करें, अब कहीं लिख इतना भी तो हो सकता है ना, ऐसे लिखा हुआ। तो 1 घंटा में ये 40 किलोमीटर चला और 1 घंटा में ये जगह 60 किलोमीटर, आखिर दोनों में ज़्यादा कौन चला? ज़्यादा जल्दी ये चला, पहुँचा, जितना फास्ट हो सके ये पहुँचा। यानी कहने का मतलब है कि स्पीड रेट पता कर पाता है कि डिस्टेंस कम समय में कौन ज़्यादा चला, ठीक है। तो स्पीड कहने का मतलब हुआ कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस में उसको ट्रैवल करने में किस रेट से किया गया, फास्ट जल्दी हो गया या देरी हुआ, ये आपको स्पीड बताएगा। तो अब यहाँ से बताएंगे कि 40 किलोमीटर प्रति आवर का स्पीड ज़्यादा था या 60 किलोमीटर प्रति आवर का, तो यहाँ से बोलेंगे 60 का, क्योंकि टाइम दोनों का सेम दिया गया लेकिन दोनों का डिस्टेंस में फर्क हो गया और डिस्टेंस ज़्यादा कवर कर पाया 60 वाले, ठीक है। अब इसीलिए हम अब इसी को हम लोग देखते हैं। तो लिखा हुआ क्या है, कहता टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल बाय ए मूविंग पार्टिकल्स, ठीक है। यानी पार्टिकल के द्वारा जो भी टाइम के साथ जो डिस्टेंस में जो चेंज होता है उसी को हम लोग बोलते हैं स्पीड। आप स्पीड का जनरल फॉर्मूला पढ़े होंगे, डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। अब डिस्टेंस बाय टाइम तो जनरली था, ये अंडर नाइन तक हम लोग पढ़ चुके थे, लेकिन अब हम लोग जो पढ़ेंगे हम लोग स्पीड को दो कैटेगरी में बांटेंगे। एक तो बांटेंगे एवरेज स्पीड, ठीक है, और दूसरा बांटेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब एवरेज स्पीड किसको कहते हैं और इंस्टेंटेनियस किसको कहते हैं? तो ये जो आपको लिखा हुआ है 40 किलोमीटर प्रति आवर, ये आपका दिया हुआ एवरेज। कैसे कि आप देखिए, जैसे आप सोचिए जहाँ पे क्राउडेड एरिया है, मतलब भीड़ भड़ाका जहाँ पे इलाका है, अब उस एरिया में जो भी अगर गाड़ी था वो क्या होगा, फास्ट तो नहीं चलेगा, थोड़ा सा धीरे होगा। और जब ये स्लो होने के बाद स्टार्ट एक ही बार तो नहीं कर दिया कि 40 के पास चला जाएगा, इसका स्पीड धीरे धीरे बढ़ेगा। लेकिन आप सोचिए जहाँ पे एकदम खाली जगह हो, एकदम कोई नहीं है स्पेस, वहाँ पे एकदम फ्री है, तो यहाँ पे क्या कर सकता है, हो सकता है 60 किलोमीटर जाए, 80 किलोमीटर जाए। तो यहाँ पर जो क्या होता है, तो ये जो आपको बताया जा रहा है कि जो डिस्टेंस कवर कर रहा है कि 60 का कि 80 का, तो ये दोनों को मिला करके अगर हम एक एवरेज टाइम में देखें, एक इंटरवल में देखें कि यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ गया और एक घंटा हो गया इसके बीच का इंटरवल, तो इस इंटरवल में अगर ये ट्रेवल करता है 1 किलोमीटर तो हम बोलेंगे कि इसका एवरेज स्पीड हुआ 1 किलोमीटर, ठीक है। लेकिन 1 किलोमीटर नहीं करेगा, 40 किलोमीटर आसपास मानेंगे, तो 40 किलोमीटर इसका होगा एवरेज स्पीड, ठीक है। तो इस गाड़ी का हम कहने का मतलब एवरेज जो होता है ना, वो एक हम लोग लेते हैं औसत, मतलब कहने का मतलब एक बड़ा सा टाइम इंटरवल में। जैसे हम बोलेंगे कि अभी बताइए आदमी का उम्र कितना होगी, तो हम जानते हैं कि 60 से 70 वर्ष। क्या 60-70 वर्ष का सारे लोग जीते हैं? ऐसा तो नहीं होता, कोई लोग देखे होंगे ना तो 93 वर्ष, जैसे अभी देखिए अटल बिहारी वाजपेयी का, तो 93 ईयर अभी क्रॉस कर चुके थे, ठीक है। अब 93 ईयर कहेंगे क्या 60-70 के बीच में नहीं हुए? अब देखो, कोई बच्चा का डेथ अगर हो जाता है तो जब ये बच्चा का डेथ होगा तो वो तो 60 साल नहीं ना जी पाया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सभी को जितना भी था, सभी के हम एज को ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद जितना भी नंबर था उसे हम डिवाइड करते हैं। अब उस नंबर से डिवाइड करने के बाद जो हमें आता है वो एवरेज आता है, और वही निकल के आया है 60-70। मतलब कि मैक्सिमम जो आदमी होते हैं वो लगभग 60 से 70 के बीच में ही जी सकते हैं, ठीक है। मतलब जी सकते नहीं, जीते हैं लगभग, ठीक। उसी प्रकार से आप सोचिए कि कहीं जब फास्ट चला और कहीं आपका स्लो चला, अब दोनों के जब मिल से करेंगे, बीच में आएंगे, तो हमको ये देखना पड़ेगा कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया। अब उस टोटल डिस्टेंस को हम लोग डिवाइड करें कितना समय लिया इतना में, अब बस उतना ही अगर मान लें कि ले लिया था 1 आवर, तो हम बोलेंगे कि यही आपका आएगा एवरेज स्पीड, यानी 40 किलोमीटर पर आवर।
तो एवरेज का मतलब क्या हुआ कि एक लॉन्ग टाइम इंटरवल में हम देखते हैं। अब दूसरी बात आती है इंस्टेंटेनियस की। तो इंस्टेंटेनियस का बोले ना कि अब आप देखिए आइडोमीटर को देखिएगा, सॉरी स्पीडोमीटर को। जब स्पीडोमीटर को देखिएगा तो वहां पे लिखा रहता है कि 40 किलोमीटर चला, 50 चले, 80 चले, कोई 90 चले। तो जिस वक्त आप देख रहे हो स्पीडोमीटर में, आपको नीडल जो वहीं बता रहा है कि नहीं इतना पे चल रहा है, 60 पे चल रहा है, तो आप जो जिस वक्त देख रहे हो उस स्पीड को जो हम लोग बोलेंगे उसी को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, तो यहाँ पे एवरेज की बात करें तो हमको टोटल डिस्टेंस देखना पड़ता है और टोटल टाइम कितना टाइम में चला। लेकिन इंस्टेंटेनियस की बात करेंगे तो जिस वक्त देखे उसी वक्त के बारे में वहाँ पे बताया जाता है। तो एवरेज स्पीड जो है यहाँ पे लिखा हुआ होगा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम। यही मेरा फॉर्मूला, और इसी को सिर्फ ध्यान में रखना है कि टोटल डिस्टेंस हमें लेना है और टोटल टाइम किसी भी तरीका से डिस्टेंस ही हमें लाना है बाय टोटल टाइम। अब यहाँ से हम मान लें कि डिस्टेंस हमको लेना होगा, ठीक है। अब ये डिस्टेंस हो सकता है कि इतना दूरी कोई दूसरा स्पीड हो, इतना दूरी कोई अलग स्पीड हो, फिर इतना दूरी स्पीड अलग हो, इतना दूरी टाइम दे दिया, यहाँ पे टाइम नहीं स्पीड दिया। तो कुछ भी हो जाए हम टोटल डिस्टेंस निकालेंगे हर हाल में और उसके बाद टोटल टाइम निकालेंगे। अब दोनों का जो रेशियो लेंगे वही आपका होगा एवरेज स्पीड होगा, ठीक है। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए और टाइम चाहिए, वो भी टोटल डिस्टेंस जहाँ से स्टार्ट किए और जहाँ तक हम जा सकते हैं। अब है लिखा हो स्लोप ऑफ कॉर्ड बिटवीन टाइम्स एंड डिस्टेंस प्लॉट, ठीक है। टू टाइम बस दो टाइम आपको दे रहेगा इंटरवल के लिए और आपको डिस्टेंस टाइम प्लॉट है उस पर जो आपका एवरेज स्पीड निकालना है। तो हमें क्या क्या निकालना होगी, तो जो आपका ये कर्व है देखो ब्लू लाइन जो है ये आपका कर्व दिया गया, इस कर्व पे हमको दो पॉइंट टाइम को इंडिकेट किया गया, एक है T1 और दूसरा आपको दिखाया गया है T2। अब इस दोनों के बीच में ये जो आप कर्व पर एक हम पॉइंट को ड्रॉ करेंगे सीधा स्ट्रेट लाइन, ये आपको बनेगा कॉर्ड। इसी कॉर्ड का जो स्लोप होगा ना इस यही हमको देगा एवरेज वेलोसिटी स्पीड। अब एक स्लोप कैसे निकालते हैं, तो आपने 10th क्लास में भी पढ़े होगा या नहीं पढ़े होंगे तो अभी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अब टाइम देखिए यहाँ पे अगर पॉइंट मान लीजिए कि दो पॉइंट हैं, तो यहाँ पे आप जब देखोगे तो यहाँ हो गया X1 Y1। ऐसे एक लेक्चर आपको मिलेंगे, आप इसी पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का होगा लेक्चर, उसमें आप इसको स्लोप जा करके पढ़ सकते हैं। ऐसे स्लोप का यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला बताएंगे, वहाँ पे आपको डिटेल मिल जाएंगे। तो स्लोप का फॉर्मूला याद रखिएगा हायर ऑर्डिनेट माइनस लोअर ऑर्डिनेट, यानी Y2 माइनस Y1 और नीचे में होगा X2 माइनस X1, ठीक है। हायर ऑर्डिनेट माइनस लोअर ऑर्डिनेट बाय हायर अवशेषा माइनस लोअर अवशेषा। तो यहां पे जब आप देखेंगे तो स्लोप का फॉर्म हम लोग बोलते हैं टैन थीटा, और टैन थीटा जो होगा यही आपको मिलेगा स्पीड मिलेगा, तो यहां पे मिलेगा एवरेज स्पीड। तो सोचिए यहां पे अगर मान लीजिए टाइम है T1, तो इस वक्त मेरा डिस्टेंस कितना है S1, तो इस वाला जो पॉइंट होगा ये हमारा T1 और कॉमा S1 होगा। अगर यहां की बात करें तो यहां पे टाइम है T2 और यह है S2, तो यहां का जो पॉइंट होगा वो हमारा होगा T2 कॉमा S2। तो अगर हम स्लोप निकालना चाहेंगे तो हायर ऑर्डिनेट मैंने S2 माइनस S1 करना पड़ेगा और बाय T2 माइनस T1, यही आपका एवरेज स्पीड होगा। ऐसे सोचिए कि यहाँ से यहाँ डिस्टेंस की बात करता है, स्टार्टिंग में तो डिस्टेंस यहाँ और फाइनल डिस्टेंस यहाँ, तो आखिर यही डिस्टेंस ना हमारा होगा। तो यहाँ से यहाँ S1 है और यहाँ से यहाँ पूरा S2 है, तो ये डिस्टेंस और टोटल डिस्टेंस जो होगा ये कितना होगा, तो इतना में से हमें इतना घटाना पड़ेगा, यानी यही आपका होगा S2 माइनस S1। तो टोटल डिस्टेंस मिल गया S2 माइनस S1। और टाइम देखिए तो यहाँ पे है T1 से स्टार्ट किए थे, T2 फंस गए थे, तो यहाँ से यहाँ जो होगा ये T2 हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक T1। तो आपका ये जो डिस्टेंस जो होगा लेंथ यही आपका होगा T2 माइनस T1। तो होगा हायर ऑर्डिनेट माइनस स्लोअर ऑर्डिनेट और ये टोटल टाइम, यानी टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ये आपको हो गया एवरेज स्पीड। तो आपको हमेशा एक ही बात याद रखनी है कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अगर ये आपको याद है तो एवरेज स्पीड में कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसे कुछ पार्ट्स भी होंगे आपको बताया जाएगा कि अलग अलग पार्ट्स लेकर के, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसको भी उस वही आपका मेन इंपॉर्टेंट होगी, तो उसको भी आप लोग देख सकेंगे, बस कुछ दिन में ही आएगा, बस नेक्स्ट डे, ठीक है। आप इसको शेयर कीजिए, और नया अगर पहली बार देख रहे हो तो इस ग्रुप का अगर फैमिली बनना चाहते हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। और इसमें पूरा सही लेक्चर आएंगे हर चीज़ का। थैंक यू।